नमस्ते, आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल हिंदी वाले मार्शा पर स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 की बात करेंगे। कक्षा 12 है, विषय हिंदी साहित्य। विषय कौन सा है हमारा? हिंदी साहित्य, जिसकी पाठ्य पुस्तक का नाम है अंतरा खंड 2 और इसके पद्य खंड का 8वां पाठ है बारहमासा। 8वें पाठ का नाम क्या है? बारहमासा। और इसके रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। अब दोस्तों, क्या होता है, मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और इनके द्वारा यह जो पद्मावत नामक ग्रंथ लिखा गया था, ग्रंथ का नाम क्या है? पद्मावत। यह पद्मावत ठेठ देहाती भाषा में, देहाती अवधि भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इस अवधि भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ की जो शैली है उसे मसनवी शैली के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मसनवी शैली फारसी साहित्य लेखन की एक परंपरा है, उसकी एक शैली है, पद्धति है, तरीका है, स्टाइल है आदि आदि आप जान सकते हैं। तो हम पद्मावत में और में जो कहानी है वो राजा रतन सेन और पद्मावती की है। रतन सेन चित्तौड़गढ़ के शासक है और पद्मावती सिंघल द्वीप वर्तमान समय का श्रीलंका जिसे हम जानते हैं उसकी राजकुमारी है। दोनों के मध्य विवाह होता है और राजा का पूर्व में विवाह हो चुका होता है। सिंघल द्वीप जाने पर और उनकी पूर्व पत्नी जिसका नाम नागमती था, महलों में उनकी विरह वेदना में तड़पती है। उसी नागमती के वियोग का, विरह का वर्णन है और उनके विरह का वर्णन करते हुए कवि की कल्पना थी और कवि ने 12 महीनों में अलग अलग प्रकार से उनके विरह का वर्णन किया है। हमारे पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर 4 महीनों के विरह का वर्णन है। मार्गशीर्ष है, पोष है, माघ है और फाल्गुन है। मार्गशीर्ष को अगहन के नाम से कवि ने अपनी पुस्तक में, अपने ग्रंथ में अभिहित किया है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमने और कवि के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त की जो जायसी के जीवन और रचना परिचय से संबंधित है। उसका वीडियो पूर्व में लग चुका है जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके पश्चात हमने मार्गशीर्ष माह में और उनके विरह की वेदना जो थी उसके बारे में अध्ययन किया, उसकी व्याख्या की, वह भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हिंदी साहित्य की जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में मिलेगा। अब बात करते हैं हमें द्वितीय महीने और जिस महीने का नाम है पूष अर्थात पोष। पूष की रात प्रेमचंद की एक कहानी भी है, बहुत ही मार्मिक कहानी है, यथार्थवादी कहानी है, किसान जीवन का और वास्तविक वर्णन उसमें आप देख पाएंगे। चलिए बात हम करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत के नागमती वियोग खंड के बारहमासा प्रकरण में से और दूसरे हमारे पाठ्यक्रम में शामिल दूसरे प्रकार के या सॉरी दूसरे माह के और हमारे पाठ्यक्रम में शामिल जो दूसरा महीना है उस माह का नाम है पूष या पोष माह, उसकी व्याख्या करेंगे और सह प्रसंग व्याख्या होगी, उसके प्रसंग के बारे में जानेंगे, व्याख्या के बारे में जानेंगे और उनकी विशेषताओं के विषय में जानेंगे। व्याख्या के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित जायसी पर जो टीका है उस टीका का अध्ययन करने के उपरांत हम आपको और यह व्याख्या उपलब्ध करवा पा रहे हैं। देखिएगा क्या कहते हैं कि पूष जाड़ थर थर तन कापा, सूरज जड़ाई लंक दिशितापा, बिरह बाढ़ी बा दारुण सीउ, कंपी कंपी मरो ले ही हरि जीउ, कंत कहा हूं लागो हियरे, लागो हियरे पंथ अपार सूज नहीं नियरे, सोर सुपेती आवे जूड़ी, जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी, चकई निसी बिछुरे दिन मिला, हो निसी बासर बिरह कोकिला, कोकिला कोयल के अर्थ में, रैनी अकेली साथ नहीं सखी, कैसे जियो बिछो ही पंखी, बिरह सचान भवे तन चाड़ा, जियत खाई मुए नहीं छाड़ा। अंत में ये तो थी चौपाइयां यहां से लेकर यहां तक और अंत में एक दोहा। ये शैली, ये जो तरीका था वो तुलसीदास का भी था। तुलसी ने अवधि भाषा में रचनाएं लिखी है, रामचरितमानस उनकी पूरी अवधि में, विनय पत्रिका सॉरी जानकी मंगल भी और उसमें है पार्वती मंगल भी अवधि में और रामलला नेचू भी अवधि में, बाकी 8 रचनाएं अब्रज में पाएंगे।
आगे कहते हैं दोहे में कि रकत ढरा माशु गरा हाड़ भई सब संख धनी सारस होई रि मोई आई समेट हु पंख। तो कि हे पतिदेव, तुम्हारी जो धनी है, तुम्हारी जो पत्नी है, तुम्हारी जो प्रियतमा है, वह मर गई है और अब तो आकर उसके पंख समेट लो, अर्थात उसकी अंतिम क्रिया कर दीजिए। चलिए हम एक बार पहले शब्दार्थ देखते हैं कि शब्दों के अर्थ क्या है। पोष का अर्थ है पोष का महीना, सूरज का अर्थ है सूरज, जड़ाई का अर्थ है कांप कर, लंक दिशी अर्थात लंका की दिशा, और चूंकि लंका भारत से दक्षिण दिशा में है तो दक्षिण, यहां लंक दिशी से तात्पर्य क्या है दक्षिण, और लंक दिशी कौन जा रहा है लंक दिशी में वो हम बात करेंगे। बाढ़ी का अर्थ है बढ़ना, शिव का अर्थ है शीत, हरि का अर्थ है हरण करना, जीव का अर्थ है जीव या जी मेरा, कंत का अर्थ है पति, हूं का अर्थ है मैं हूं मैं, लागो लगना हियरे हृदय पंथ मार्ग अपार अज्ञात या दुर्गम, सूझ नहीं नियरे मतलब निकट का भी दिखाई नहीं देता है, शोर शोर कहते हैं वैसे सूर्य की ऊर्जा को भी कहते हैं, सूर्य से संबंधित जो है वह भी शोर है, लेकिन यहाँ पर शोर का अर्थ है शोर, और शोर हमें राजस्थानी में रजाई को कहते हैं। सुपेति का अर्थ सहित, जूड़ी का अर्थ कंप कपी, हिमंचल मतलब हिमालय की बर्फ, बूढ़ी का अर्थ है डूबी हुई, चकई का अर्थ है चकवी, निसी रात, वासर वासर, और वासर दिन का पर्यायवाची शब्द है, तो वासर का अर्थ है दिन या दिवस, रैनी का अर्थ है रात, बिछोही पंखी मतलब जोड़े से बिछड़ा हुआ पक्षी, जोड़ा मतलब युगल, जैसे नर और मादा का जो युगल है उससे बिछड़े हुए पंछी। सचान का अर्थ है बाज, भवे का अर्थ है हो गया, चाड़ा का अर्थ है भोजन, मुए का अर्थ है मरने पर भी, छाड़ा का अर्थ है छोड़ना, रकत का अर्थ है रक्त या खून, ढरा मतलब ढलना या बहना, गरा गलना, शंख शंख जिसे बजाया जाता है और वंग अंदर से खोखला होता है, तो शंख किसका प्रतीक है खोखले होने का। धनी का अर्थ पत्नी या जिसे जो नागमती स्वयं है, रवि का अर्थ चीख चीख कर कहना, और मुई का अर्थ मरना, समेट हु का अर्थ समेटना या एकत्र करना। अब देखिए बच्चों हम इसकी व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। कवि जयसी और नागमती की तरफ से नागमती के विरह का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूष जाड़ थर थर तन कांपा, कि पूष के जाड़े में मतलब पोष महीने की रात्रि या पोष महीने की सर्दी की वजह से तन है वह भी थर थराने लगता है, थर थर करके कांपने लगता है। सूरज जड़ाई कि सूरज जो है वह भी जाड़े के कारण लंक दिशी तापा, वह लंका की दिशा में जाकर तपने लगता है। जिस प्रकार से जैसे ये हमारी पृथ्वी और हम कहें कि ये भूमध्य रेखा, ये है कर्क रेखा और यह मकर रेखा, और भारत की स्थिति कुल मिला के इस प्रकार से, तो कवि कहते हैं कि इस समय सर्दी के महीने में या पोष के महीने में सर्दी के मौसम में और सूरज है वह दक्षिण कटिबंध की तरफ चला जाता है, मतलब सॉरी दक्षिण यहाँ दक्षिणायन हो जाता है, और दक्षिणायन होने की वजह क्या माना है कवि ने, सूरज जड़ाई कि जाड़े के कारण से सूरज है वह भी लंका की दिशा में दक्षिण दिशा में चला गया है। और यहां देखेंगे आप तो यह कटिबंध है, यह इस पृथ्वी का भूमध्य रेखा मतलब बीच की रेखा, और यह मकर रेखा नीचे का और यह ऊपर। यदि आप इसे एक पुरुष एक मनुष्य के रूप में देखें तो यह जो बीच का हिस्सा है किसके रूप में है, कटी या कमर के अर्थ में, बीच का हिस्सा कटी के अर्थ में हम समझ सकते हैं, तो सूरज है वह भी कटे निचले कटिबंध की तरफ जाने लगता है। इसमें कवि की एक बहुत अच्छी परिकल्पना है, विशेष में बात करेंगे। विरह बाढ़ी कि विरह बढ़ गया दारुण भाषी हूं, किसकी वजह से, इस दारुण से शीत की वजह से, दारुण शीत की वजह से विरह बढ़ता जा रहा है, कपी कपी मरो ले ही धरी जीव, यह तो कपा कपा कर मार देगा, ले ही हरी ले लेगा हरी, हरण कर लेगा क्या जीव, आपने जीव कर लिखा जीव, कि यह सर्दी यह शीत यह जाड़ा दो और कपा कपा कर मार देगा, और ऐसा लग रहा है जैसे यह मेरे जीव या प्राण का हरण कर लेगा, ले ही का मतलब लेगा।
कंत कहां हूं लागो हीरे, कि मेरे पति कहां है, कंत का होता है पति, कि मेरे पति कहां है, मेरे प्रियतम कहां है, हो मानी मैं लागो हीरे, मैं उनके हृदय से लग कर अपनी सीत अपने जाड़े को दूर कर सकूं, पंथ अपार सूझ नहीं नीरे, कि यह पति तक जाने का जो वर्तमान समय का जो मार्ग है वह बड़ा ही अपार है, अज्ञात है, दुर्गम है, सूझ नहीं नियरे, और निकट का भी सूझता नहीं है, अर्थात दिखाई नहीं दे रहा है। यहां निकट का दिखाई न देने की वजह क्या है, रानी नागमती की आंखों में पति के न होने की वजह से, विरह वेदना में जलने की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए उसे निकट का भी दिखाई नहीं देता है। और पति तक जाने का जो मार्ग है वो तो बड़ा विकट है, अपार है, दुर्गम है, या हम कहें कि वह बड़ा दूरस्थ जाकर बैठ गया है। शौर सुपेति आवे जुड़ी, कि शौर, शौर का अर्थ अपने यहां लिखा है रजाई, कि रजाई के सहित, सुपेति का अर्थ है सहित, कि रिजाई सहित, रिजाई ओढ़ने पर भी आवे जुड़ी, जुड़ी का अर्थ है कंप कंपियाना, जैसे ये जो डेंगू जैसे बुखार होते हैं, इन बुखार में भले और पीड़ित या बीमार व्यक्ति पर आप कितने ही गर्म कपड़े क्यों ना डाल दें, लेकिन उसकी कंप कंपी नहीं मिटती, तो रुकती नहीं है। तो कवि जायसी नागमती के बिहाव से करे कि शौर सुपेती आवे जुड़ी, कि शौर रजाई ओढ़ दे, सोड़ियो आप कह रहे ना राजस्थानी में, सोड़ियो है ना, तो सोड़िया ओढ़ने पर भी और कप कपी नहीं छूट रही है, जाना हूं सेज हिमांचल बूढ़ी, कि बूढ़ी का अर्थ है डूबना और हिमांचल का अर्थ है हिमालय के बर्फ, कि ऐसा लगता है कि रजाई ओढ़ने पर भी सर्दी दूर नहीं हो रही है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि जो सेज है, जो बिस्तर है, वह भी और हिमालय की बर्फ में डूबे पड़े हैं। चकई निसी बिछुरे दिन मिला, कि चकई जो है मादा चकवा या चकवी, चकवी जो है वह निसी बिछुरे, वह निशा में तो रात्रि के समय तो बिछड़ जाती है, दिन मिला, लेकिन दिन में अपने प्रियतम से जाकर मिल जाती है, ऐसा माना जाता है। हो मैं निसी बासर विरह कोकिला, हो कर दे मैं, लेकिन मैं जैसे चकवी रात में बिछड़ती है लेकिन सवेरे मिल जाती है, लेकिन हूँ मैं तो निसीवासर, मैं तो रात और दिन विरह कोकिला, मैं तो रात और दिन विरह रूपी कोकिला, मैं विरह में जलने वाली कोकिला के समान और उसे पुकारती रहती हूँ, जैसे कोयल लगातार बोलती रहती है, उसी प्रकार से नागमती कहती है कि मैं तो और विरह में और कोकिला की तरह से दिन रात उसे ही पुकारती रहती हूँ। रेनी अकेली साथ नहीं सकी, कि रेनी अकेली, कि दिन के समय में तो कभी कभार सखियां आ जाती हैं, उनसे बात करते हुए दिन व्यतीत हो जाता है, लेकिन रेनी अकेली, कि रात के समय तो मैं निहायत ही अकेली और साथ नहीं सकी, साथ में कोई सखी भी नहीं है, कैसे जियो अब बताइए, कैसे जियूं मैं बिछो ही पंखी, कि मेरा पति है वह तो मुझे छोड़कर और विद्रोही के रूप में या बिछो है या मुझे छोड़कर और एक पक्षी की भांति से दूर चला गया है, और अब बताइए आप ही मैं कैसे जीऊं, मैं कैसे जीऊं, विरह सचान भवे तन चाड़ा, सचान का आपने यहां लिखा बाज पक्षियों का राजा, कि विरह रूपी सचान जो है भवे तन चाड़ा, कि वह भवे चढ़ाकर मेरे तन का भोजन करने के लिए तैयार ही बैठा है, अर्थात मुझे खाने के लिए कौन है, विरह रूपी बाज, बाज कैसा है विरह के रूप में, जिए ते खाई वह तो मुझे जिंदा ही खा जाएगा, मुंह नहीं छाड़ा, मरते मरने तक छोड़ने वाला नहीं है, मुंह मरने नहीं नहीं छाड़ा छोड़ना, कि वह मरने तक मुझे नहीं छोड़ने वाला है, कौन है विरह रूपी बाज। आगे कह रहे हैं दोहे में कि रक्त ढरा माशू गरा हाड़ भय सब संख, कि रक्त है वह ढल गया है अर्थात बह गया है, रक्त है वह क्योंकि तरल पदार्थ है, लिक्विड है, और कोई लिक्विड है वह जब ढुलता है तो यह माना जाता है कि वह बह गया है, कि रक्त ढरा कि रक्त खून बह गया है, माशू गरा और शरीर के अंदर जो मांस था वो भी उस विरह की वेदना और जाड़े की वजह से गल गया है, हाड़ भय सब संख, और शरीर के जो हाड़ हैं या
शरीर की जो अस्थियां हैं वे भी शंख हो गई हैं, और शंख आप चूंकि जानते हैं मंदिरों आदि में बजाए जाते हैं, तो वह अंदर से पोला होता है अर्थात खोखला होता है। तो नागमती कहती है कि मांस सॉरी रक्त है वह बह गया है, मांस गल गया है, हाड़ भय सब शंख, और जो हाड़ थे वो सारे के सारे शंख हो गए हैं अर्थात खोखले हो गए हैं, अर्थात शारीरिक कमजोरी या शारीरिक रूप से नागमती बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। धनी सारस होई रजी मोई, कि हे धनी तुम्हारी पत्नी, धनी सॉरी धनी कहते हैं पत्नी को, कि तुम्हारी पत्नी है वह सारस हो ही रही हुई, कि वह सारस की भांति, सारस के विषय में एक पता नहीं झूठ है कि सच है, लेकिन एक किंवदंती दंती प्रचलित है, और किंवदंती यह है कि यदि सारस के जोड़े में से कोई एक मर जाता है किसी भी वजह से, किसी जो उस जोड़े में से किसी एक का देहांत हो जाता है सारस नाम के पक्षी के जोड़े में से, तो दूसरा जो युगल शेष रहता है वह पहले वाले को पुकारते पुकारते मर जाता है। मतलब उसकी विरह वेदना भी इतनी भयंकर होती है कि वह और अपनी उस साथी युगल के अपने युगल का जो साथी था, हो सकता है नर मर गया तो मादा और मादा मर गई तो नर, दूसरे को पुकारते पुकारते अपने प्राण त्याग देते हैं। तो यहाँ क्या करी है कि धनी सारस हो ही रही मोई, कि तुम्हारी धनी तुम्हारी पत्नी तो क्या हो गई है सारस हो गई है रही मुई, कि वह, और रही का अर्थ आपने लिखा चीख चीख कर कहना, कि वह तो तुम्हें चीख चीख कर पुकारते पुकारते अंत में क्या हो जाएगी, मुई, मुई का अर्थ होता है मरना, कि अंत में वह तुम्हें पुकारते पुकारते मर जाएगी। कौन? धनी सारस, कि धनी रूपी तुम्हारी जो पत्नी, तुम्हारी पत्नी रूपी जो सारस है वह आई समेट हूं ले हूं, आई समेट हूं पंख, कि तुम्हारी पत्नी वो सारस की भांति और तुम्हें पुकारते पुकारते अपने प्राण त्याग देगी, अतः तुम आओ और आकर मेरे पंख समेट लो। और पंख समेट लेने से कवि जायसी का तात्पर्य है कि नागमती कह रही है उनसे कि आप आइए और आकर कम से कम मेरे पंखों को समेट दीजिए, अर्थात मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिए, ताकि मरने के पश्चात भी मैं आपके उस प्रेमी शरीर का स्पर्श पाकर निहाल हो जाऊं। तो इस प्रकार से और आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अब प्रसंग की, प्रसंग इसका क्या लिखेंगे, हम प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश से जायसी के द्वारा लिखे प्रबंध काव्य पद्मावत के नागमती वियोग खंड, पद्मावत के नागमती वियोग खंड के बारहमासा नामक प्रकरण से लिया गया है। इस पद में कवि जायसी ने नागमती के सॉरी कवि जायसी ने पौष माह में रानी नागमती के विरह का वर्णन करते हुए कहा है कि, फिर व्याख्या जो हमने अभी पढ़ी वो लिखेंगे और उसके पश्चात हम क्या लिखेंगे विशेष लिखेंगे। तो विशेष में देखिए पहले तो आप लिखें ठेठ अवधि या ठेठ देहाती अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है, सबसे पहली बात तो यह आती है। उसके बाद आप देखेंगे हिवनचल बूढ़ी, जानहु सेज हिवनचल बूढ़ी, मनो मनो मनहु जनो जनो जनहु, ये 6 शब्द आपको जहां कहीं प्राप्त होते हैं, तो आप 99% मामलों में वहां उत्प्रेक्ष से अलंकार बनेंगे, वहां कौन सा अलंकार बनेंगे उत्प्रेक्ष से अलंकार। तो जानहु की वजह से जानहु सेज हिमंचल बूढ़ी, ऐसा लगता है जैसे सेज है वह हिमालय की बर्फ में डूबी हुई है, तो यहां आप इसका उत्प्रेक्ष से अलंकार करेंगे। ठीक है, यहाँ ये जो विरह कोकिला थी यहाँ विरह रूपी कोकिला है तो यहाँ रूपक अलंकार आ जाएगा, यहाँ विरह रूपी सचान है, विरह रूपी बाज है जो नागमती के शरीर को खाए जा रहा है, तो यहाँ भी रूपी शब्द की प्राप्ति होती है, जहां कहीं भी रूपी शब्द की प्राप्ति होती है ए भेद और उसमें समानता मान ली जाती है तो वहां रूपक अलंकार, और जब बात आ गई रूपी से और इसके टुकड़े करने पर शब्द के का विश्लेषण करने पर रूपक शब्द की प्राप्ति होती है तो वहां
रूपक अलंकार माना जाता है। इसके अलावा कंपी कंपी जो शब्द था उस कंपी कंपी में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, तो इसको ज्यादा देखने की जरूरत है वैसे है नहीं। और चौपाई और दोहा, एक बात हम करें तो जो पद है या किन छंदों में इसकी रचना की गई है, तो चौपाई और दोहा में की गई है। उसके बाद में वियोग श्रृंगार रस है, श्रृंगार आप उचित तरीके से लिखना जरूर सीखें। श्रृंगार शब्द जो है ये कई बच्चे इस प्रकार से लिख देते हैं, तो बच्चों ये पूर्णतया गलत है। आपका सही जवाब क्या होगा, से आधा है और से में री की मात्रा लग गई, ऊपर अनुस्वार है गा और रे, तो श्रृंगार शब्द वर्तनी की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से इस प्रकार का शुद्ध है, यह शब्द अशुद्ध लिखा जाएगा। आप इसको लिखना, यदि आप पहले वाला लिख रहे हैं तो गलत है और उसे आगे भविष्य के लिए आप उससे सुधार दें। तो कुल मिलाकर यह है कि पद्मावती की ठेठ अवधि भाषा है, और जैसे जान हूं सेज हिमंचल गुड़ी में उत्प्रेक्ष अलंकार, विरह कोकिला में और बासर विरह में अनुप्रास अलंकार है बे और बे आने की वजह से, और विरह कोकिला में रूपक अलंकार, विरह सजान में रूपक अलंकार, और धनी सारस में धनी रूपी सारस जो है, या सारस रूपी जो धनी है तुम्हारी वह, तो यहाँ भी रूपक अलंकार, और चौपाई और दोहा सब छंदों का प्रयोग है, और वियोग श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस कौन सा है इसमें, तो वियोग श्रृंगार रस की प्राप्ति होती है। और एक ये है, एक नई कल्पना थी कि लंक दिशी तापा, ये लंका की दिशा में जाकर तपने लगते हैं, अर्थात सूरज जाड़े की वजह से, अर्थात जाड़ा दूर हो रहा है, तपने लगता है। मानव शरीर की बात करें तो बीच का कटी, तो कटी प्रदेश की तरफ है और वह चला जाता है। प्रियतम भी कटी प्रदेश की तरफ है और सूर्य भी कटी प्रदेश की तरफ है, सर्दी के महीने में जाना ज्यादा पसंद करता है। इससे ज्यादा खुलकर मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। और अब आप यदि नए हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा भविष्य में भी, और आपको यहाँ पर अच्छी सामग्री उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही आप इस बोर्ड की का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको लिखने में और थोड़ी सी आसानी रहे। आपके मास्टर साहब या बहन जी जो है उनके माध्यम से आप मुझसे यह नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ में, वहां आपको इसकी पूरी की पूरी व्याख्या और हाथ से लिखी हुई मिल जाएगी। यदि आपको हम दिखाना चाहें तो इस प्रकार से देखिएगा, दूसरा पद है यहाँ, पूष जाड़ थन थर थर तन कांपा, सूरज जड़ाई लंक दिशी तापा, तो पूरा का पूरा यहाँ शब्द संपदा है, यहाँ पर आप देखेंगे प्रसंग लिखा है और यहाँ से व्याख्या लिखनी हमने शुरू की है, और उसके पश्चात यहाँ तक पूरे इस पेज में आप देख सकते हैं इस पूरे पेज में और इसकी व्याख्या है, और उसके बाद यहाँ पर विशेष ठेठ अवधि, जान हूँ सेज हिमाचल में उत्प्रेक्षा, विरह सचान और विरह को किला में रूपक, वियोग श्रृंगार रस, चौपाई दोहा छंद का प्रयोग, और सूर्य के दक्षिणायन जाने में कवि की परिकल्पना है कि वह सर्दी से बचने के लिए दक्षिण में चला गया है, यह एक नई कल्पना है। यह नोट्स 19 अगस्त 2021 को और हमारे इस रजिस्टर की रौनक बढ़ाने के लिए और लिखे गए थे। तो दोस्तों, बच्चों, विद्वान साथियों, विदुषी बहनों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब अनुमति देवें, नमस्ते, जय हिंद।